कुंवर प्रताप ने जो सत्कार्य किए हैं, जिस शौर्य और वीरता के साथ अपने मातृभूमि की रक्षा, जिस शौर्य और वीरता के साथ अपने मातृभूमि के अस्तित्व और गौरव की रक्षा की है, केवल रक्षा ही नहीं बल्कि गौरव को बढ़ाया भी है, उन सभी सत्कार्यों के लिए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। इन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हैं। कुंवर प्रताप के इन सभी उनका सम्मान करना चाहते हैं जितने वाले। कुंवर प्रताप के सत्कर्मों का सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। अभी हाय, आई एम शक्ति और मैं राणा उदय सिंह प्ले कर रहा हूँ। आज का सीन ये है कि ये प्रताप वापस आया है काफी समय बाद बिजोलिया में रहकर, और यहाँ पे इसका स्वागत है और ये सब चीजें हो रही हैं। गौ पूजा आज हो रही है हमारे यहाँ पे, जिसमें बहुत पुरानी किस्म की एक पूजा होती है जहाँ पे गौ माता का आशीर्वाद लिया जाता है और कुछ नया कार्य शुरू किया जाता है, तो आज वही सब चीजें हो रही हैं। मौज मस्ती है सेट के ऊपर, काफी लोग आए हुए हैं आज, तो रीयूनियन टाइप हो जाता है काफी टाइम बाद वापस आने के। बादशाह खान से जंग जीत कर आए हैं, कैसे स्वागत किया गया आज? आज स्वागत कल होगा, लेकिन ये स्वागत का अगला सीन है तो स्वागत वगैरह तो सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ना हम, तो स्वागत हो गया, मतलब स्वागत हो गया उसका, सीधा काम पे लग गए हम। पूजा वूजा करो, उसके बाद में सीधा निपटाओ अगला काम, तो वही चीजें हो रही हैं अभी। अभी पूजा पाठ हो रहा है, आज का दिन पूजा पाठ का था। अच्छा था, लोगों का रिस्पांस अच्छा था, और क्योंकि जैसा पता चला है कि लोगों को काफी पसंद आई वो वॉर, अच्छी शूट भी हुई थी और काफी लोगों के फोन भी आए, सो इट वाज, क्योंकि मेरे ख्याल से शरद की पहली वॉर थी ये वाली जो एक्चुअल वॉर था, और अच्छा किया, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सुपर्ब एपिसोड, मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको अपने किरदार में कितना एंजॉय फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मतलब एक शो जो मैंने किया ये महाराणा प्रताप, अराउंड 1.5 साल हो गया इस शो को, और लोगों को भी पसंद आया, क्रिटिक्स को भी पसंद आया, इंडस्ट्री को पसंद आया, तो उस वजह से 3 अवार्ड भी मिल गए हैं इस साल, तो आपको अच्छा लगता ही है जिस काम को सराहा जाए, अदरवाइज क्या होता है आप अच्छा काम तो करते रहते हो लेकिन कभी उस चीज़ की प्रशंसा नहीं होती, और एक एक्टर के बारे में प्रशंसा ही होती है जो उसे अच्छा लगता है कि लोग उसे मार्केट में मिलें और लोग ऐसा बोले अरे यार क्या बात है क्या कर रहे हो, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अवार्ड्स तो कहते हैं ना, मतलब आइस अवार्ड बहुत अहमियत रखता है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है आप जब सेट के ऊपर होते हो, सेट के ऊपर वही गिने चुने आपके 100-150 लोग होते हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं, जो आपको कई बार प्रोत्साहित भी करते हैं, कई बार चलो यार कोई बात नहीं अच्छा होगा सीन अच्छा होगा, लेकिन आपको मार्केट से बेसिकली पता चलता है, जब मार्केट में जाते हो, लोगों से आप मिलते हो, आप दूसरे प्रोड्यूसर से मिलते हो, डायरेक्टर से मिलते हो, आपको तब पता चलता है कि कितना आप अच्छा काम कर रहे हो या एवरेज काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो। अवार्ड मिलना फिर बहुत अलग एक मैटर हो जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब जो इंडस्ट्री के चुनिंदा लोग हैं जो अवार्ड को डिसाइड करते हैं वो आपका काम पसंद कर रहे हैं, तो मतलब ये काफ़ी अहमियत रखता है एक एक्टर के लिए, उसके मनोबल के लिए, उसकी एक सेल्फ एस्टीम के लिए कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहुती भी किया था तो वहाँ पे उस टाइम मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैंने कहा लड़कियाँ इतना टाइम क्यों लेती हैं यार तैयार होने के लिए, अब यहाँ पे आके पता चला पिछले 1.5 साल में, क्योंकि मैं तैयार होने में मुझे करीबन 45 मिनट लग जाते हैं।
वजन तो अभी तो थोड़ा कम वजन हो गया, पहले मेरा हार ही मेरे ख्याल से करीबन 9 किलो का हार था जो पहनता था मैं, तो गर्दन मतलब शाम तक तो यूं ऐसे झुक जाती थी गर्दन तो घर पे जाके झुकी हुई गर्दन लेके ही जाता था मैं, तो अभी तो थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाँ मतलब लेयर्स बहुत हैं कपड़ों की, अंदर आप एक अंगरखा पहनते हो, उसके ऊपर आप ये पहनते हो, उसके ऊपर आप ज्वेलरी पहनते हो, ज्वेलरी और ऊपर से गर्मी अब ये भी नहीं है कि हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं, ऊपर से गर्मी हो गई, बॉम्बे की गर्मी, ह्यूमिड, पसीना, ठीक है, लेकिन बट यू बट द एंड ऑफ इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बट द एंड ऑफ इट, अगर आपको ये कह के बोला जाए यार क्या काम किया यार, क्या 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 सीन था, मजा आ गया यार, तो आपको ये सब चीज़ें आप भूल जाते हो फिर। थैंक यू सर, थैंक यू।